हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कुक विद अवंतिका रसोई पे। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आइए आज की रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक बाउल। बाउल में मैंने डाला है आधी कटोरी कोकोनट का पाउडर, यानी पाउडर डेसिकेटेड कोकोनट। यहाँ पर 2 टेबल स्पून मैंने डाला है कोको पाउडर। यहाँ पे हम लेंगे पाउडर शुगर टेस्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून पाउडर शुगर ऐड की है। थोड़ा थोड़ा सा दूध ऐड करते हुए हमें इसका एक सॉफ्ट सा डो की तरीके रेडी कर लेना है। याद रखिएगा, एक साथ दूध बिल्कुल भी मत डालिए, आवश्यकता के अनुसार डालिए। पाउडर शुगर यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून लिए, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जैसा भी आप मीठा खाना पसंद करते हैं। यहाँ देखिए, ये मिक्स हमारा रेडी हो चुका है। तो अब हमें क्या करना है, थोड़े थोड़े पोर्शन को लेते हुए हमें यहाँ पे इसकी बॉल्स बना लेनी है कुछ इस प्रकार। देखिए, पहले मैंने हल्के हाथों से लिया तो ये टूट गई। तो आपको क्या करना है, हल्का से इसे प्रेस करते हुए आपको इसकी बॉल्स बना लेनी है। बहुत सिंपल है, बहुत आसान तरीके से ये बॉल्स बन जाती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो यहाँ देखिए, इसी तरीके से हमें सारी की सारी बॉल्स बना लेनी है। गाइस, आप जब ये पूरी मिठाई की वीडियो को देखेंगे तो आप यकीन नहीं करेंगे कि आपने इसे घर पे बनाया। तो पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा गाइस। अब मैंने ले लिया है यहाँ पे एक दूसरा बाउल, क्योंकि बॉल्स हमारी बन गई, उसे मैंने साइड में कर लिया है। यहाँ पे मैंने लिया है यहाँ पे मावा। आप चाहें तो मावा की जगह मिल्क पाउडर से भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अमेजिंग बनने वाली ये रेसिपी, आपको बहुत पसंद आएगी। यहाँ पे मैंने 1/4 कप डाला है यहाँ पे मैंने कोकोनट का पाउडर। कोकोनट का पाउडर मैंने इसलिए मावे में ऐड किया है, एक तो इसका टेस्ट बढ़ जाएगा, साथ ही इसमें जो है जो मॉइस्चर होता है, जो घी वगैरह होता है मावे के अंदर, वो जो है अच्छे से बैलेंस हो जाएगा और हाँ, तो मिठाई को बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे अच्छी तरीके से मावे को हम मिक्स कर लेंगे कोकोनट के साथ। तो ये देखिए, हमारा मावा अच्छे से मिक्स हो गया। तो अब हमें क्या करना है, जो हमने मावा का मिक्स बना के रखा है, इसके हम यहाँ पर 3 पार्ट करेंगे। 2 पार्ट हम इक्वल करेंगे और 1 पार्ट को हम थोड़ा सा छोटा ही रखेंगे, मतलब थोड़ा सा कम रखना है। तो यहाँ पे मैंने 3 पार्ट कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, इन्हें देख सकते हैं आप, 2 पार्ट हमारे इक्वल हैं और 1 पार्ट थोड़ा सा कम है। यहाँ पे मैंने येलो फूड कलर 1 पार्ट में डाला है। अब हमें क्या करना है, इसे अच्छी तरीके से हमें क्या करना है, मिक्स कर लेना है, ताकि जो कलर हमने डाला है वो पूरे के पूरे मावा के पोर्शन में अच्छी तरीके से आ जाए और कलर बहुत ही अच्छा निकल के आए। यहाँ देखिए, दूसरे वाले यानी कि छोटा वाला जो पोर्शन रखा था मावे का, उसमें मैंने डाला है पिंक कलर। वीडियो में आपको कुछ अलग ही कलर हो सकता है दिखाई दे रहा हो, लेकिन यहाँ पे मैंने पिंक कलर ही डाला था। इसके साथ ही मैंने इसे मिक्स कर लिया। अब जो हमने जो कलर वाले पोर्शन बना के रखे थे, अब हमें क्या करना है, इसकी इक्वल साइज़ की गोलियाँ बना लेनी है। तो यहाँ पे एक पोर्शन में मेरी 5 गोलियाँ बनी हैं। आप अपने अकॉर्डिंग साइज़ को कम या मतलब छोटा या बड़ा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। छोटे साइज़ में भी ये रेसिपी बहुत अच्छी बनती है और बड़े साइज़ में भी इसकी यूनिक सी डिज़ाइन बहुत अच्छी लगती है। यहाँ देखिए, येलो वाले पार्ट को मैंने यहाँ पे इक्वल राउंड कर लिया है, गोलियाँ बना ली हैं। उसी तरीके से हमें येलो वाले पार्ट को भी कर लेना है। तो इसकी भी हम गोलियों को बना लेते हैं। और जो हमारा जो पिंक वाला पार्ट है, पोर्शन है मावे का, उसे भी हमें इसी तरीके से 5 डिवाइड में ही करना है, यानी कि 5 गोलियां बना लेनी है। जितनी गोलियां आपके एक पोर्शन में बनती है, उसी हिसाब से आपको सारे पोर्शन की इक्वल ही गोलियां बना लेनी है। तो यहाँ पे देखिए, पिंक वाले कलर की भी मैं यहाँ पे 5 गोलियां बनाऊँगी। तो ये देखिए, गोलियाँ बन चुकी है। अब हमें क्या करना है, येलो वाले पोर्शन के अंदर पिंक वाले पोर्शन को हमें इस तरीके से फिल कर देना है, जैसे कि मैं कर रही हूँ, इसी तरीके से आपको फिलिंग कर देनी है इसकी। तो ये देखिए, एक बॉल हमारी बनके रेडी हो चुकी है। अब हम दूसरी बॉल को भी इसी तरीके से बना लेते हैं। तो आप देखेंगे, बहुत ही सिंपल से बनने वाली ये रेसिपी, अगर आप मार्केट में लेने जाएंगे गाइस, तो ये कम से कम 1000 से 1200 रुपये के करीब मिलेगी आपको पर केजी। अगर आप घर में इसे बनाएंगे तो कम से कम खर्चे में ये बनने वाली, इस रेसिपी को बनाने के लिए मेरा जो खर्चा है वो 60 रुपीज़ का आया है। अगर यही मिठाई अगर आप मार्केट से लेंगे ना, तो ये बहुत महंगी होगी। तो ये हमारी जो ऑरेंज फिलिंग वाली गोलियां थी वो बन गई। तो अब हमें क्या करना है, जो हमारी ये जो बॉल्स बनी है, इनको हल्का सा फ्लैट करना है। अब इनके अंदर हमें क्या करना है, जो चॉकलेट वाली हमने जो फिलिंग बना के रखी थी, उसे हमें इसमें फिल कर देना है, जैसे कि हम कचौड़ी वगैरह फिल करते हैं ना, इसी तरीके से टैप करना है, बड़ा कर लेना है इसको पोर्शन को। इसके साथ ही इसमें हम इसको फिल कर लेंगे अच्छी तरीके से, जो को चॉकलेट वाला हमारा पोर्शन है ना, इसे
इसे अच्छी तरीके से राउंड कर लेंगे। ये फिलिंग इतने अच्छे से राउंड करना है कि फिलिंग बिल्कुल भी बाहर ना निकले, और इसी तरीके से हमें सारी की सारी बना लेनी। यहाँ सारी बॉल्स हमारी बन चुकी हैं, तो अब आते हैं हम वाइट वाले पोर्शन की तरफ। तो वाइट वाले पोर्शन को भी हमें इसी तरीके से फ्लैट कर देना है जैसे कि मैं कर रही हूँ। ये मैंने मावा से बनाई थी, तो थोड़ी सी ये फटी फटी सी फ्लैट हो रही है। अगर आप मिल्क पाउडर से बनाते हैं तो ये ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो गाइस ये देखिए, इसी तरीके से हमें फिलिंग कर लेनी है। और याद रखना कि फिलिंग जो हमने चॉकलेट वाली फिलिंग जो रखी है अंदर, वो बिल्कुल भी बाहर नहीं आनी चाहिए। तो जो इसके सील है ना, उसे बहुत अच्छे से कवर कर देना, बहुत अच्छे से इसे लॉक कर देना है। फिलिंग जो है हमारी बिल्कुल भी बाहर नहीं आनी चाहिए, वरना क्या होगा कि इसका जो डिजाइन है क्रिएट करेंगे हम, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। तो इसी तरीके से हमें सारी की सारी बॉल्स को बना के रेडी कर लेना है, और इसी तरीके से हल्के हाथों से इसे गोल गोल घुमाते हुए बॉल्स को बना लेना है। तो यहाँ देखिए, इस तरीके से मैंने ये बॉल्स भी बना ली। इसी तरीके से बाकी की बॉल्स को भी हम बना के तैयार कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, ये बाकी की बॉल्स भी हमारी बन गई हैं। तो इसे साइड में रख देते हैं। अब हमें लेना है कोकोनट का पाउडर, और एक एक बॉल को डालते हुए हमें इस तरीके से कोकोनट के पाउडर से इसे हमें कोट कर लेना है। अगर आप कोकोनट को अवॉइड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, इसकी जगह आप मिल्क पाउडर में भी इसे कोट कर सकते हैं। कोट करने से क्या होगा, ये अच्छे से जो है कोटिंग है और अच्छी सी हो जाएगी, और जो आपकी फिलिंग है वो बाहर होके नहीं आएगी। तो इस तरीके से कोट करना बहुत ज़रूरी है। आप चाहें तो कोकोनट के पाउडर से भी कर सकते हैं, या फिर मिल्क पाउडर से भी कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इसे कोटिंग नहीं करनी है कि आपके जो बॉल्स हैं उसमें कोकोनट बहुत ज़्यादा हो जाए, बस हल्का सा इसे कोट करना है, कुछ इस तरीके से जैसे कि मैं कर रही हूँ। गाइस, आप मेरी ये वीडियो किस कंट्री से देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट करके अपना प्यारा प्यारा सा कमेंट मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है, मुझे अच्छा लगता है। तो गाइस ये देखिए, हमारी जो बॉल्स थी वो अच्छे से कोट हो चुकी हैं कोकोनट के साथ। अब हमें क्या करना है, इसका जो सेंटर है वो निकाल लेना है। तो सेंटर जो है इसको इस तरीके से कर लेना है। किसी टूथ पिक के साथ भी आप सेंटर बना सकते हैं। आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिए आइसक्रीम स्टिक से मैं यहाँ पे कट लगा रही हूँ, यानी कि इसकी कलियाँ बना रही हूँ। आप चाहें तो इस मिठाई को 8 कलियों में भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे लेकिन 4 कलियाँ ही बनाई हैं। आप 8 कर सकते हैं, आप 8 से ज़्यादा कर सकते हैं। जितना आप पोर्शन लेंगे उस हिसाब से आपकी ये कलियाँ बन के तैयार होंगी। तो इस तरीके से कलियों को हमें हल्का सा डार्क कर लेना है, और सेंटर का ध्यान ज़रूर रखिएगा। तो ये देखिए, एक हमारी बन के तैयार हो गई है। अब दूसरे को भी हमें इसी तरीके से बना लेना है। गाइस, सावन चल रहा है, तो व्रत के लिए मैंने बहुत सारी रेसिपी अपने चैनल में अपलोड कर रखी है, आप उन्हें भी विजिट करके देख सकते हैं। कम समय में बनने वाली यूनिक रेसिपीज आपको मिलेंगी मेरे चैनल पर, तो प्लीज़ एक बार विज़िट ज़रूर कीजिएगा। आप के कमेंट, आपका विज़िट करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। गाइस ये देखिए, सारी की सारी मैंने ये देखिए कलियाँ बना ली हैं। अब इन्हें हल्का सा देखिए, इस वाले में मैंने 8 कलियाँ बनाई, आप जैसे कि देख पा रहे हैं। अब हमें क्या करना है, सीज़र की सहायता से इसके एक एक पेटल को बना लेना है। बहुत ही हल्के हाथों से बनाइए, नीचे से कट करते हुए हमें ऊपर की साइड को पेटल को लेके आना है इस तरीके से, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। हो सकता है वीडियो की कुछ साफ ना आया हो, पेटल्स आपको ना सही दिख रही हूँ, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि आप एक एक पेटल्स को आराम से कट कर सकते हैं, आराम से बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से बनने वाली ये मिठाई आपको बहुत पसंद आएगी। तो इसी तरीके से मैंने 8 के 8 पेटल्स में कट करके और भी पेटल्स निकाल ली हैं। इस तरीके से देखिए, कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे पेटल्स बनानी है। नीचे से ऊपर की साइड पेटल्स को लेके आना, हल्के हाथों से सीज़र को निकाल लेना है। अगर आपको इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा, तो आप मेरी दूसरी वीडियो भी देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने मिल्क पाउडर से बनाया है, वहाँ पे भी मैंने यही डिज़ाइन बनाई है। लेकिन क्या होता है ना कि मावे में मॉइस्चर ज़्यादा होता है, तो मावे में कुछ लुक हल्का सा वैसा आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी आप अगर इसे घर पे बनाएंगे ना, तो आप यकीन मानिए आपको ये मिठाई बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो यहाँ देख सकते हैं पैटर्न्स बनाने का तरीका, मैं फिर से दिखाती हूँ इस तरीके से। ये देखिए, कुछ इस तरीके से आपको पैटर्न्स बना देनी है। तो गाइस, इसी तरीके से हमें डिज़ाइन क्रिएट कर लेनी है। आप चाहें तो और भी डिज़ाइन इसमें बना सकते हैं, और भी कलर का यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो कलर मैंने यूज़ किए वही आप लें, जो भी आपको कलर पसंद है तो वो आप ले सकते हैं। और इसके साथ ही मैंने जो इसका जो सेंटर था वहाँ पे हम रखेंगे यहाँ पे सिल्वर बॉल्स,
आप चाहें तो किसी दूसरे कलर से भी इसे डेकोरेट कर सकते हैं, किसी दूसरी चीज़ों से भी डेकोरेट कर सकते हैं। तो आपको आज की मेरी ये मिठाई की रेसिपी कैसी लगी गाइस, कमेंट करके अपना प्यारा प्यारा सा कमेंट ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए हमारी बर्फ़ी बनके रेडी हो चुकी है, टेस्ट में बहुत अच्छी है, लुक्स में बहुत अच्छी है। हो सकता है कि कैमरे में कम सही आई हो, बाकी देखने में बहुत अमेजिंग लग रही थी। मेरे बच्चों को, मेरी हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। एक बार आप मेरे कहने से इस तरीके से रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए इस रक्षाबंधन। गाइस अगर आपको मेरी ये मिठाई की रेसिपी थोड़ी भी पसंद आती है तो प्लीज़ रेसिपी को आगे से आगे बढ़ाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऑल का बटन दबाइए ताकि आपको मेरी नई नई रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन पहले से पहले मिल सके। और आज मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए इसकी फीलिंग बिल्कुल भी बाहर नहीं निकली और अंदर का लुक आप देख सकते हैं। टेस्ट में बहुत ही अमेजिंग है, लुक में बहुत ही अमेजिंग है, देखने में बहुत अच्छी लगती है गाइस ये। तो अगर आप इस रेसिपी को किसी के साथ शेयर करें, मतलब सर्व करेंगे किसी के सामने, तो आपसे एक बार ज़रूर पूछेंगे कि आपने इसे कैसे बनाया। तो चलिए आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक